नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। राजधानी रांची में लगातार हो रही तेज बारिश के बाद क्या आलम है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि अपार्टमेंट से जेसीबी लगाकर कार को जो है खिंचवाना पड़ रहा है। आप देखिए, ये पुंदाक की तरफ जाने वाली सड़क है और इस सड़क के बगल में ये जो सोलर एरेना अपार्टमेंट है, मल्टी मार्केटिंग सर्विस, इस अपार्टमेंट का नज़ारा आप देखिए। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, करीब 10 मंजिला ये अपार्टमेंट है। और इस अपार्टमेंट का दृश्य ये है कि इसके बेसमेंट में जहाँ जो पार्किंग एरिया है वह पूरी तरह से डूब गया है और इस अपार्टमेंट में पिछले 3 दिनों से लोग फंसे हुए हैं। और अभी नगर निगम और जो CO हैं लोकल, वह पहुँचे हुए हैं और रेस्क्यू करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, कई गाड़ियाँ अभी भी बेसमेंट में है और इन गाड़ियों को एक एक कर यहाँ से खींच कर JCB की मदद से निकाला जा रहा है। देखिए, एक कार जो है पूरी तरह डूब चुका है और ऐसे ही कई कार यहाँ पर बेसमेंट में लगे हुए थे। लोग जब अपने काम से आकर कार लगाकर घर में सोए हुए थे और सुबह उठकर देखा तो कार उनका पूरी तरह से डूब चुका था। कार, बाइक और जो रास्ते हैं ऊपर जाने का, वह पूरी तरह से डूब चुका है। और यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से कई लोग इस अपार्टमेंट में फंसे हुए हैं। अभी यहाँ पर रेस्क्यू करने वाली टीम आई हुई है और वह धीरे धीरे फंसे हुए जो पानी है उसे निकालने का, और उसके साथ साथ जो कार, बाइक और तमाम चीज़ें यहाँ फंसी है उसे निकालने का काम किया जा रहा है। कई लोग, आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं और ये नज़ारा देख रहे हैं कि आखिर राजधानी रांची जो स्मार्ट सिटी कहलाती है और उसका क्या आलम है। आलम यह है कि एक दिन की बारिश में न सिर्फ पानी से लबालब भर गया बल्कि आलम यह हुआ कि अपार्टमेंट ही पूरी तरह से डूब चुका है। अब उसे किसी तरह से खींच कर गाड़ियाँ वहाँ से निकाली जा रही है, पानी हटाने का काम किया जा रहा है। इधर देखिए, एक नाला बनाने का काम किया जा रहा है ताकि यहाँ से पानी को निकाला जा सके। जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम के इन्फोर्समेंट टीम और तमाम तरह के कार्य यहाँ पर एक साथ किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इन पानियों को यहाँ से निकाला जाए। दरअसल ये गड्ढा वाला इलाका है, दोनों तरफ की सड़क को अगर देखिएगा तो ये बीच में यहाँ पर थोड़ा सा झुकाव है और यही वजह है कि पानी यहाँ पर आकर जमा हो जाती है। लेकिन पहली बार शायद इतनी पानी यहाँ पर जमा हुई है। आप लोग यही है? जी सर, रहेंगे, रहने वाले। हर बार भर जाता है कि पहली बार? नहीं, पहली बार ऐसा हुआ, अभी हर बार नहीं आता है। कितनी गाड़ियाँ थी इसमें? अभी उतना तो नहीं पता है मुझे। मैं तो अभी आया हूँ। ठीक है सर। देखिए, ये लोकल लोग हैं, एक अपार्टमेंट और इसके पीछे भी कई अपार्टमेंट का निर्माण हो रहा है। जिस तरह से राजधानी रांची कंक्रीटों के जाल में धीरे धीरे बदलते जा रहा है, एक के बाद एक नए अपार्टमेंट बन रहे हैं और ज़्यादातर अपार्टमेंट जो है गड्ढे वाले इलाके में बनते हैं, जगह में बनते हैं। और उसका खामियाजा यह भुगतना पड़ता है लोगों को, खास करके जो अपार्टमेंट खरीदते हैं, कि बारिश के दिन में इसी तरह वह लबालब भर जाता है। ये नीचे रिलायंस फ्रेश है, एकलव्य टावर नाम है इस अपार्टमेंट का, और इसी में आगे जो है कमर्शियल कुछ दुकानें हैं और पीछे और ऊपर रेसिडेंशियल इलाका है। और ये इसी का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से वायरल हो रहा है कि किस तरह से राजधानी रांची का जो नज़ारा है वह मुंबई और कई लोग चाइना से भी जोड़कर देख रहे हैं कि वहाँ पर जिस तरह से बाढ़ के बाद नज़ारा है, कई गाड़ियाँ डूब चुकी हैं, वह नज़ारा अब राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। ये गाड़ी मारुति सेलेरियो अभी खींच कर इसे निकाला गया JCB मशीन से। काफ़ी मशक्क़त के बाद जब अंदर पानी में फंसी हुई थी यह गाड़ी तो उसे निकाला गया। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी संख्या में हैं। अभी हालांकि पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ है, इसीलिए इस सड़क को जो है अभी खोल दिया गया है आने जाने वालों के लिए, लेकिन इससे पहले इस सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। तो इन तस्वीरों को, इन नज़ारों को देख कर आप समझ सकते हैं कि राजधानी रांची में बारिश के बाद क्या नज़ारा है। और मौसम विभाग ने जैसा कि बताया कि अभी और बारिश हो सकती है, अगर और बारिश, ज़ोरदार बारिश हो गई तो उसके बाद क्या कुछ नज़ारा होगा और क्या कुछ आलम होगा, आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। हम अलग अलग इलाकों में घूमकर कोशिश कर रहे हैं कि राजधानी रांची की वह बदरंग तस्वीर आपको दिखाएं कि जिस पर कभी काम करने का
काम करने की कोशिश नहीं की गई और किसी का ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ स्मार्ट सिटी और नगर विकास मंत्री यहाँ पर बनते रहे लेकिन इसका कभी कल्याण नहीं हुआ। ड्रेनेज सिस्टम पर कभी कुछ काम नहीं हुआ, हल्की सी बारिश में कोई बच्चा नाला में बहकर कहीं दूर चला जाता है, कोई व्यक्ति डूब कर मर जाता है और कई अपार्टमेंट ऐसे ही बारिश में डूब जाते हैं लेकिन कोई देखने सुनने और पूछने वाला नहीं रहता है। तो इन तस्वीरों को जो प्रशासन में लोग बैठे हैं, जो सरकार में लोग बैठे हैं, उन्हें देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि आखिर इससे कैसे निजात पाया जा सकता है। और एक दो दिन की बारिश में जब यह आलम हो जाता है तो इन बारिश की जमा पानी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इस पर लगता है कि कुछ ठोस काम करने की ज़रूरत है और उसके बाद ही ऐसे बारिश के पानी से निजात पाया जा सकता है। और जो लोग इस ऐसे अपार्टमेंट में पिछले दो दिन तीन दिन से फंसे हैं वैसे लोग को भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना न करना पड़े। तो हम और कई इलाकों में चलते हैं और दूसरे इलाके की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि वहाँ का क्या कुछ नज़ारा है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in